राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा का है, जिसके चलते राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर आरती की थी। इसी की एक छोटी वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी गलत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आरती कर रहे हैं। साथ ही उसमें उन्होंने ये दावा भी किया कि पृथ्वी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। वहीं भाजपा उत्तराखंड से जुड़ी नेहा शर्मा ने ये क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा कि जब एक कैथोलिक माँ और पारसी पिता का बेटा चुनावी फायदे के लिए हिंदू होने का ढोंग करता है तो ऐसा ही होता है। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने जांच की तो पाया कि ये दावे बेबुनियाद है। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे के बारे में एक मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने कंफर्म किया कि आरती के दौरान ज्योति का मूवमेंट दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में होता है। वहीं इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स में भी ये बात बताई गई है कि ज्योति का मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है। वहीं अमित मालवीय द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो में राहुल गांधी क्लॉकवाइज दिशा में आरती कर रहे हैं। हालांकि कैमरा का लेंस राहुल गांधी के चेहरे की ओर मुड़ा है और इस वजह से दिशा में उलटफेर लगता है। कांग्रेस द्वारा ट्वीट किए गए राहुल गांधी के इस वीडियो में वो भी पुजारी के साथ क्लॉकवाइज दिशा में आरती कर रहे हैं। वहीं स्क्रीन पर आप राहुल गांधी और शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरती करने के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें दोनों एक ही दिशा में आरती कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमित मालवीय के दूसरे दावे की। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है और अपने अक्ष पर लंबवत 23.45 डिग्री झुकी हुई है। वहीं पृथ्वी के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी राहुल गांधी सही दिशा में आरती कर रहे थे, लेकिन फिर भी अमित मालवीय ने उनका वीडियो ट्वीट कर झूठा दावा किया कि राहुल गांधी गलत दिशा में आरती कर रहे हैं। वहीं साथ ही में अमित मालवीय ने ये झूठा दावा भी किया कि पृथ्वी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, जबकि हमारी प्राथमिक शिक्षा में ही ये बात हमें सिखाई गई है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है।